किसी का नाम आएगा ना, एयरफोर्स के किसी का नाम आएगा, सिर्फ दो नाम आएंगे, नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी। नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी, स्टेट लेवल पे शिवराज चौहान जी, और चोट किसको लगती है, पिस्ता कौन है? मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन, आपकी मेहनत, आपका पैसा, उनका भविष्य, आपका नुकसान, ये हम बदलना चाहते हैं। आप देखो, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, हर भाषण में किसानों की बात करते थे, हर भाषण में रोजगार की बात करते थे। अब आप उनके भाषण सुनिए, ना किसान की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्योंकि पूरा देश समझता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं झूठ बोल जाते हैं, खोखले वायदे कर जाते हैं। आप देख लेना, ये तो गारंटी है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। आप देख लेना, मैंने भाषण में बोल दिया ना, अगर आपने मेरे भाषण में सुन लिया, मैं खोखले वायदे नहीं करूंगा, 15 लाख वायदा नहीं करूंगा, मगर आपने मेरे भाषण में सुन लिया कि राहुल गांधी ने यह बात बोल दी, तो वो करके ही दिखाएंगे। आप पंजाब फोन लगाइए, पंजाब फोन लगाइए, कर्नाटक फोन लगाइए, उनसे पूछिए, भैया राहुल गांधी आया था, उसने कहा कि कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी ने आपको हमें बताया कि वही बात कर्नाटक में बोली थी, वही बात पंजाब में बोली थी, कि आप कर्जा माफ हो गया, पूछ लीजिए उससे। और ये भी पूछ लीजिए कितने दिन लगे, वो आपको बता देंगे। 10 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई। आखिरी बात मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं, यूपीए का समय $140 प्रति बैरल, आज $70 प्रति बैरल। आपके स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, ट्रक में पेट्रोल डालते हो, आपके जेब में से सीधा पैसा निकलता है, नीरव मोदी की जेब में जाता है, विजय माल्या की जेब में जाता है, अनिल अंबानी की जेब में जाता है। फिर आप सवाल पूछते हो, रोजगार की बात उठाते हो। सिर्फ एक बात कहते हो भाई, हर सरकार से कहते हो कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते, कोई फ्री गिफ्ट, कोई तोहफा नहीं चाहते, कोई मदद नहीं चाहते, हम सिर्फ रोजगार चाहते हैं। आप हमें रोजगार दे दो, बाकी कुछ मत दो, हम इस देश को बना देंगे, हम इस देश को खड़ा कर देंगे। ये आपके दिल की भावना है और हिंदुस्तान के हर युवा की भावना, दिल में भावना है। मैं अपने देश को बनाना चाहता हूं, और वो भी पूरी नहीं होती। एक तरफ आपके माता पिता खेत में काम करते हैं, दूसरी तरफ व्यापम स्कैम में आपसे पैसा छीन लिया जाता है, माता पिता बीमार होते हैं, सारे के सारे अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, एक्सरे की जरूरत, एमआरआई की जरूरत, लाखों रुपए निकाल, हजारों रुपए निकाल के दो, कैंसर हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है, लाखों रुपए दो, जहां भी देखो आपके जेब में से पैसा निकलता है। और जो आप मांग रहे हो, और जो वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया था, रोजगार का वायदा, सिर्फ एक वायदा, वो भी पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार
जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा 24 घंटे में से 18 घंटे युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी चले जाओ, पूछो हिंदुस्तान को भोजन कौन देता है, 2 सेकंड में आपको जवाब मिलेगा, पंजाब हरियाणा देते हैं। मध्य प्रदेश को कांग्रेस पार्टी 5 साल के अंदर हिंदुस्तान का कृषि का सेंटर बना देगी। किसान सब्जी फल अनाज बेचने मंडी जाता है, मंडी में जाता है, उसे कहा जाता है भैया अभी ठहरो, अभी थोड़ा आप यहां रहो, फिरो मत। किसान थक जाता है, उसको सही दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी की सरकार हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके खेत के पास, आपके खेत के बिल्कुल सामने फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा दिया। अब कोई किसान टमाटर उगाता है तो उसके खेत के पास केचप की फैक्ट्री, कोई किसान आलू उगाते हैं उनके खेत के पास आलू की चिप्स की फैक्ट्री, कोई किसान सोयाबीन उगाते हैं सोयाबीन के तेल की फैक्ट्री, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में जाल बिछा दिए। किसान अपने अनाज को, फल को, सब्जी को डायरेक्ट जाकर फैक्ट्री में भेजेगा, फैक्ट्री से उसको सही दाम मिलेगा, और उसी फैक्ट्री में किसान के बेटे और बेटी को रोजगार मिलेगा। पहला काम यह होगा। दूसरा काम, 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों के कर्ज माफ किया। आप यहां किसी भी युवा से पूछ लो, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, 10,000 करोड़ रुपए उसने बैंक के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं को विजय माल्या ने कितने रोजगार दिए? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, नीरव मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया? 0। अब वही काम अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी युवा